हिजबुल्ला के हमलों ने उत्तरी इसराइल में कहर बरपा रखा है। इन हमलों की वजह से आईडीएफ को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इजरायली सेना जब तक संभल पाती है तब तक हिजबुल्ला दूसरा हमला कर उसे दहला देता है। अब हिजबुल्ला ने इसराइल के सीरियन गोलन में एक बहुत बड़ा हमला किया है। ये वही इलाका है जहां पर हिजबुल्ला ने अपना जासूसी ड्रोन भेजकर आईडीएफ की कई संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर ली है। दरअसल हिजबुल्ला ने सीरियन गोलन अल जोरा में आईडीएफ के एक आर्टिलरी बंकर पर कई ग्रेड टाइप रॉकेट दागे हैं। इस हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इस अटैक को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि रॉकेट हमलों में आईडीएफ के एक आर्टिलरी बंकर में भी आग लग गई थी और आईडीएफ का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी हिजबुल्ला के इस रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान के अल तैबे इलाके में कई इमारतों पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि इन इमारतों में इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। वहीं गोलन इलाके में हिजबुल्ला ने आईडीएफ की 210वीं टेरिटोरियल डिवीजन की आर्टिलरी रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्ला का दावा है कि इस ड्रोन हमले में यार्डन बैरक्स में काफी नुकसान हुआ है। खुद इजरायली सेना ने माना है कि लेबनान की तरफ से यहां पर 3 आत्मघाती ड्रोन फायर किए गए थे जिससे आईडीएफ को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, जिसमें आईडीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने अल रामथा और अल सुमका सैन्य अड्डे को जोड़ने वाले इलाके पर इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर बमबारी की है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के ये हमले इजरायल की सैन्य रणनीति के लिए एक सीख है जो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला ने पिछले 9 महीनों में इसराइल पर 6,800 से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइलें फायर किए हैं और इन हमलों में करीब 710 जगहों पर आग लग गई, जबकि हजारों एकड़ जमीन आग की लपटों में राख में तब्दील हो गई है।